उल्लास खोल लीजिए, तो इसकी शुरुआत कर दें। दूसरे उल्लास में क्या है, पहले उल्लास बन जाएगा आपको पक्का, सवाल बनेगा कर लेंगे। अथ द्वितीय उल्लास, कि दोष गुणालंकारा वक्षन्ते। क्या लिखा है? दोष गुण और अलंकारों की हम चर्चा करें। तो तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि में, उन्होंने कहा कि भाई तद दोषौ में, अदोषौ में जो दोष था बोले आगे बताएंगे, सगुणों में जो गुण था बोले आगे बताएंगे, अनलंकृति में जो अलंकारों का अपहरण था बोले आगे बताएंगे। तो क्या बचा, क्या बचा, पलट के देख लेना। प्रथम उल्लास में उन्होंने ये नहीं कहा कि शब्दार्थ वो अग्रे वक्षन्ते, बोले शब्दार्थ तो अभी बताएंगे। अभी पहले उल्लास के बाद क्या आ गया, दूसरा उल्लास, तो दूसरे में क्या बताया, और दोष गुण अलंकार के लिए कहा बोले धीरज रखो आगे बताएंगे। दोष गुण अलंकार के लिए कहा कि धीरज रखो, अदोषों को कहा आगे बताएंगे, सगुणों को कहा आगे बताएंगे, अनलंकृति को कहा आगे बताएंगे, और शब्दार्थों को कहा अभी बताएंगे। शब्दार्थों को क्या कहा, अभी बताएंगे। शब्दार्थों विशेष पद है, अदोषौ विशेषण है बोले आगे बताएंगे, सगुणों विशेषण है बोले आगे बताएंगे, अनलंकृति विशेषण है बोले आगे बताएंगे। इसी ग्रंथ में बताएंगे, पर आगे बताएंगे, कब बताएंगे, तो काव्य लक्षण का में जो शब्दार्थ था उन शब्दार्थों को दूसरे उल्लास में शुरुआत कर रहे हैं। और लिखा क्रमेण शब्दार्थयो स्वरूपम आह, क्रमेण भाई अदोषौ सगुणौ अनलंकृति सब क्या हैं, शब्दार्थ ही तो अदोषौ हैं, शब्दार्थ ही काव्य हैं, हाँ बोलते का नहीं, और शब्दार्थ कैसा होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, गुण के साथ होना चाहिए, और कहीं पर अलंकार हो और कहीं अलंकार ना हो, वैसा शब्द और अर्थ काव्य है, ऐसा शब्द और अर्थ। तो भाई शब्द और अर्थ भी तो जानना चाहिए देवेंद्र जी, शब्दार्थ भी तो जानना चाहिए। तो दूसरे उल्लास में मम्मट ने कहा आइए क्रमेण क्रम प्राप्त शब्दार्थ यो हो, शब्द और अर्थ दोनों का स्वरूपम यानी लक्षण परिभाषा डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, स्वरूप कैसा होता है, शब्द, शब्द का स्वरूप क्या है, अर्थ का स्वरूप क्या है, किसको शब्द कहेंगे किसे अर्थ कहेंगे। तो फिर जब शब्दार्थ जान जाएंगे तभी तो हम जानेंगे कि इसको काव्य कहेंगे ना। तो उन्होंने एक लाइन लिखी, स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यञ्जकस्त्रिधा, शब्दोत्र व्यञ्जकस्त्रिधा, शब्द त्रिधा, शब्दोत्र में शब्द है ना, शब्द त्रिधा क्या मतलब हुआ, शब्द तीन प्रकार के, शब्दोत्र में अत्र लिखा है, क्या लिखा है, शब्दोत्र में लिखा है ना अत्र, अत्र माने यहाँ, यहाँ कहाँ, काव्य में। एक बार सवाल पूछा था यही लाइन लिखा था, स्याद् वाचको लाक्षणिका शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा, इस कारिका में अत्र पद से किसका बोध हो रहा है। नीचे देखिए पतली पतली लाइन में लिखा होगा अत्र इति काव्य, क्या लिखा है, परीक्षा में सवाल पूछ लेगा मैडम आपसे पक्का पूछेगा, क्या पूछेगा, अत्र का मतलब क्या है, अत्र मतलब काव्य, क्या मतलब, सुन रहे ना चश्मा वाले भैया बगल वालों को, समझ रहे हैं ना भैया, पक्का ना। तो पूछता है ऐसे, सवाल भी पूछता है, यहाँ भी समझते चलिए सवाल भी समझते चलिए, यही लाइन लिख देगा, पूछ लेगा अत्र इति किम, इस कारिका में अत्र पद का, अत्र पद किसका बोध कराता है, तो काव्य में, अत्र का मतलब कर लीजिए काव्य, मतलब काव्य में, अत्र का मतलब काव्य, तो अर्थ कर लीजिए काव्य में, क्या करना है, काव्य, काव्य में स्यात् होना चाहिए, स्यात् स्यातम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, स्याम स्याव स्याम, याद आया, वेदलिंग लकार का अस, अस का रूप है, स्यात् वाचकः, वाचकः शब्दः स्यात्, और लाक्षणिका वो व्यंजक शब्द स्यात् और लाक्षणिका शब्द स्यात्,
अत्र काव्य में तीन प्रकार के शब्द होने चाहिए। मम्मट ने लिखा काव्य में, अत्र का मतलब हो गया काव्य में, तो काव्य में तीन प्रकार के शब्द होने चाहिए। वाचका लिखा ना, स्याद वाचका, वाचक शब्द होते हैं। लाक्षणिका, लाक्षणिक शब्द होते हैं। व्यंजका, इस प्रकार से त्रिधा, क्या त्रिधा, शब्द ना, शब्दोत्र व्यंजक त्रिधा, शब्दोत्र व्यंजक। कारिका समझ में आई कि नहीं? अत्र मतलब शब्द, मतलब शब्द, त्रिधा मतलब तीन प्रकार के, ना कौन कौन बोले, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। क्लियर है ना? एषाम स्वरूपम वक्षते, अब बोले इनका स्वरूप आगे कहा जाएगा। सही है, प्रकार बता दिया। अब इसी दूसरे उल्लास में आगे आपको वाचक शब्दों का लक्षण दिया जाएगा, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द बताएंगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि चिंता मत करना, एषाम त्रयाणाम शब्दानाम स्वरूपम यानी लक्षणम यानी परिभाषाम यानी डिफिनीशनम वक्षे, आगे मैं बोलूँगा। समझ में आ गया? एषाम शब्दानाम, एषाम केषाम, एषाम का मतलब हुआ एषाम शब्दानाम, और स्वरूपम माने इनका स्वरूप, इनका लक्षण, इनकी परिभाषा, इनकी डिफिनेशन मैं आगे बताऊंगा। चलिए ठीक है, हम वेट करेंगे, आगे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तीन प्रकार के शब्द बताए, तीन प्रकार के कौन कौन, परीक्षा में पूछ लेगा, कर लेंगे। आगे आइए, वाच्यादि तद अर्थाः, इनके अर्थ स्युः, स्यात् स्याताम् स्युः, तीन ना है, तीन है ना, तो बोले वाच्यादयः, वाच्यादि तद अर्थाः, इन शब्दों के अर्थ स्युः होने चाहिए। वाच्यादि को अर्थ कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक ये शब्द हैं, और वाच्य आदयः, आदय हमें तीनों को ले लिया, वाच्य में वाच्यार्थ तो आपको मिल गया। वा इन्होंने कहा भाई जो वाचक शब्द हैं, वाचक शब्दों में वाच्यार्थ होगा, लाक्षणिक शब्दों में लक्ष्यार्थ होगा, और व्यंजक शब्दों में व्यंग्यार्थ होगा। और नीचे लिख दिया वाच्य लक्ष्य व्यंग्या, नीचे देखिए पतली पतली लाइन लिखी होगी। तो वाच्यादय को, वाच्यादय मीन्स किम, तो बोले वाच्यादय माने वाच्य लक्ष्य व्यंग्या। तो वाच्य में अर्थ जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, वाच्यार्थ। और फिर आगे लिखा है लक्ष्य, लक्ष्य में अर्थ जोड़िए लक्ष्यार्थ, और इसके आगे लिखा है व्यंग्य। ठीक हो गया? वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक ये तीन प्रकार के शब्द हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये इन तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ हैं। इसीलिए इनको कारिका में तीनों को नहीं लिखा वाच्य लक्ष्य व्यंग्यार्थाः, ऐसा नहीं लिखा वाच्य लक्ष्य व्यंग्यार्थाः स्युः, ऐसा लिखते तो फिर नीचे वृत्ति लिखने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सब तीनों को कहा वाच्यादयः, क्या कह दिया, तो वाच्यादयः में वाच्यादयः का को व्याख्यायित किया कि व्हाट इज वाच्यादयः का मतलब आप क्या समझें, बोले वाच्यादयः का समझें वाच्य लक्ष्य व्यंग्य, वाच्य लक्ष्य, और जब शब्द तीन हैं तो तीनों शब्दों का अर्थ भी तो तीन ही होगा। बोलिए, तो वाचक शब्दों का वाच्यार्थ, लाक्षणिक शब्दों में लक्ष्यार्थ, और व्यंजक शब्दों में व्यंग्यार्थ होगा। कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब इसी अर्थ के संदर्भ में मम्मट ने बताया
कि देखिए तीन प्रकार के तो अर्थ और तीन प्रकार के शब्द हमने बता दिए। अब मान लीजिए कोई और किसी प्रकार के अर्थ को बता रहा है तो उनका भी मत यहाँ पर लिख रहे हैं, इसीलिए मम्मट ने लिखा तात्पर्यार्थोपिकेषुचित। तात्पर्यार्थ, हाँ बोले देखिए मेरे अनुसार तो वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ मैंने बता दिया, पर केषुचित केषुचित कुछ लोगों के मत में तात्पर्यार्थः अपि तात्पर्यार्थोपि तात्पर्यार्थोपि संधि विच्छेद करिए, तात्पर्यार्थोपि का संधि विच्छेद करिए, तात्पर्यार्थः अपि तात्पर्यार्थः तात्पर्यार्थ भी केषुचित। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ के अलावा तात्पर्यार्थ भी है, ये मैं नहीं कहता, केषुचित। क्या कहा? ठीक है, अब ये केषुचित के मत को भी मम्मट ने अपनी पुस्तक में लिखा। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए हम लोग कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई सोशियोलॉजी की आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें समाज की परिभाषा लिखी है। तो समाज की परिभाषा पहले मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज ये फलाना फलाना है, अगस्त कामटे के अनुसार समाज ऐसा 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 है, फलाने के अनुसार ऐसा है, प्रोफेसर हैंडल, प्रोफेसर माकबूथ, प्रोफेसर लुल्लु ढुल्ल वगैरह वगैरह जो भी हो, कुछ भी नाम लिख देंगे तो सब लोग सोसाइटी की परिभाषा करते हैं। समाज तो एक ही है, 50 लोग 50 दृष्टि से समाज को देखते हैं और सब लोगों की परिभाषा को हम लोग पढ़ते भी हैं, परीक्षा में पूछ भी लेता है। अभी सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों का मैं सोशियोलॉजी का उदाहरण इसलिए दिया कि बीए में तीन सब्जेक्ट थे हमारे, एक हिंदी, एक संस्कृत और एक समाजशास्त्र, और मुझे लगता था भगवान किसी तरह हम पास हो जाएं, किसी तरह हम पास हो जाएं। मैं आपको बताऊं, समाजशास्त्र में मेरा 150 में 90 नंबर है, यही पासिंग मार्क है, मैंने पास हो जाएं बस। और संस्कृत में 150 में 146 नंबर है, क्योंकि सारा दिन क्या पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे, हो गया बीए में फेल ना हो जाए इसलिए समाजशास्त्र पढ़ते थे, जो गैप मिलता था ना परीक्षा में 2-4 दिन का, उसी में हमारा समाजशास्त्र खुलता था। और हिंदी भी कमी पढ़ पाते थे, पर हिंदी का चल जाता था, संस्कृत का के साथ में वो चल जाती थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे याद है कि मैं समाज की परिभाषा याद कर रहा था, तो उसमें एक नाम मुझे अभी तक याद है, मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज क्या है। बहुत रट्टा मारते थे गुरु, बहुत रटना पड़ता था, बहुत लंबा लंबा उसमें लिखना भी होता था, और समाजशास्त्र में नंबर भी कम मिलता था, ऐसा लोग कहते हैं, हम पढ़ते भी नहीं थे तो हमको नंबर मिलने के, पास हो गए यही बहुत। तो मैं आपसे कह रहा था कि तात्पर्यार्थ के संदर्भ में मैं समाज की बात बताने लगा था कि वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ ये तो अकॉर्डिंग टू मम्मट, और तात्पर्यार्थ अकॉर्डिंग टू केषुचित कुछ लोगों के मत। वो कौन लोग हैं आगे बताएंगे। बोले मीमांसकों में भी दो मत उन्होंने बताना है उनको, एक अभिहितान्वयवाद, एक अन्विताभिधानवाद। वाद माने सिद्धांत, वाद माने सिद्धांत। तो अन्वित अभिधान, जिसके सिद्धांत का नाम अन्वित है, वे अन्वित अभिधानवादी हैं यानी अन्विताभिधानवादी, और कुछ लोग ये मानते हैं कि अर्थ अभिहित होकर के आता है, तो उनको मम्मट कहेंगे अभिहितान्वयवादी। क्या कहेंगे? तात्पर्यार्थ के भी, तात्पर्यार्थ के संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं, एक गुरुजी का और एक चेला जी का। तो गुरुजी का मत हुआ कुमारिल भट्ट का और चेला जी का मत हुआ प्रभाकर मिश्र का। पर ध्यान रखिएगा, प्रभाकर मिश्र के मत को गुरु मत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर है ये शिष्य मत, पर क्या है ये? गुरु का अर्थ भारी भी होता है, गुरु का अर्थ भारी भी होता है। तो ये गुरु मत इस संदर्भ में है कि अर्थात जिनके वचनों में, जिनकी ज्ञान में,
भारीपन होता था, इसीलिए बाद में इनके अनुयायियों ने इनके मत को गुरु मत कह दिया। तो ये आप क्लियर रहिएगा कि हम अभिधान्यवाद और अन्विताभिधानवाद तात्पर्यार्थ के विषय में पढ़ रहे हैं, और मम्मट ने अपना तो वाचक लाक्षणिक और व्यंजक तीन प्रकार के शब्द और वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य तीन प्रकार के अर्थ बताए और कहा कि अग्रे एसाम स्वरूपम वक्षते, इनका स्वरूप हम आपको आगे बताएं। इसी स्वरूप के चक्कर में तात्पर्यार्थ आ गया, तो तात्पर्यार्थ की के लिए दो लाइनों में व्याख्या लिखा उन्होंने। व्हाट इज तात्पर्यार्थ, बोले देखिए आगे हम तात्पर्यार्थ नहीं बताएंगे, अपना वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ हम आगे बताएंगे, लेकिन अब अर्थ की चर्चा हो रही है, कुछ लोग तात्पर्यार्थ को मान रहे हैं, तो मैं तात्पर्यार्थ यहीं निपटाए दे रहा हूँ। यानी मम्मट तीन अर्थों के अलावा इस तात्पर्यार्थ को भी महत्व दे रहे हैं, तभी तो उन्होंने अपने तीन अर्थों के अलावा कहा केषुचित् तात्पर्यार्थः अपि, कुछ लोगों के मत में तात्पर्यार्थ भी एक अर्थ है। अब उन्होंने कहा आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात्, क्या कहा आकांक्षा योग्यता वक्षमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वय, बोलिए तात्पर्यार्थः विशेष वपुः अपदार्थः अपि वाक्यार्थः समुल्लसति इति अभिहितान्वयवादिनां मतम्। और वाच्य एव वाक्यार्थः इति अन्विताभिधानवादिनः, वाच्य ही वाक्यार्थ है ऐसा अन्वित होकर के ही वाक्यार्थ आता है। देखिए यहाँ दोनों तात्पर्यार्थ को मान रहे हैं, बट कोई भी जैसे शब्द है तो शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा, शब्द है तो शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा, तो शब्दों से अर्थ निकलता है और बहुत सारे अर्थों से पूरे वाक्य का वाक्यार्थ निकलता है। क्या निकलता है? वाक्यार्थ निकलता है ना। पर जैसे हम कहें कि शीशा, तांबा, घोड़ा, हाथी, आकाश, टोपी, मोबाइल, इतना सारा मैंने शब्द बोला, इस पूरे शब्द का कोई वाक्यार्थ है क्या? बोलो, कोई वाक्यार्थ है? नहीं। पर हम कहें कि हम हाथी में बैठ करके बाजार जा रहे हैं, इसमें वाक्यार्थ है ना? हम मोबाइल लेने के लिए सिविल लाइन जा रहे हैं, बोलिए वाक्यार्थ है? पर हम ऐसे बोले सिविल लाइन, मोबाइल, हाथी, घोड़ा, साल्ट, बनियानी, पंखा, खड़ा, बैठा, बहुत सारा वाक्य बोल दिए, पर इसमें वाक्यार्थ नहीं है। क्या नहीं है? देखिए जो किताब में लिखा है वही पढ़ा दूंगा ना, तो एमए में तो आप पढ़ी के आए हो, जो किताब में लिखा है ये वही लाइन लाइन हम बता देंगे, तो कहा एमए में पढ़े हो? नहीं कहा, पढ़े हो ना, तो आप इसको जानो कि वास्तव में झगड़ा इस बात का नहीं है, झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि वाक्यार्थ आता कैसे। देखिए अभी जब हम बोल रहे थे हाथी, घोड़ा, सिविल लाइन जाना, मोबाइल बैठना, तो इसका ये अर्थ नहीं निकल रहा है कि मैं सिविल लाइन मोबाइल लेने जा रहा हूँ, ऐसा अर्थ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्यों? चूँकि इसमें आकांक्षा नहीं है, इनमें योग्यता नहीं है, इनमें आसक्ति नहीं। बोलो हाँ। इसको मैं ऐसे आपको सामान्य सिंपल उदाहरण से बता दूँ तो आप अभिधान्यवादी समझ जाएंगे। जैसे मैं अभी कह के जाऊँ कि मैं, फिर थोड़ा पढ़ाने लगूँ, 10-5 मिनट पढ़ाऊँ, फिर कहूँ कि सिविल लाइन, फिर 15-20 मिनट बाद पढ़ाने लिखाने के बाद आऊँ तो कहीं मोबाइल लेने, फिर 4 बजे आऊँ बोलूँ जा रहा हूँ, तो फिर मैं पूछूं कि यार मैं कहाँ गया था, तो आप बताएं कि सर आप तो हमसे बताए नहीं थे, तो हम कहेंगे साले बताए नहीं थे, 10 बजे बोले थे मैं, 12 बजे बोले थे सिविल लाइन, 4 बजे बोले थे जाऊँगा मोबाइल लेने, तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक में आप एक सेंटेंस बोलेंगे तो किसका अभाव है? आसक्ति का। किसका? आसक्ति का अभाव है। बोले और जैसे मान लें हम कह रहे हैं कि हाथी,
हमने कहा हाथी, तो आपके अंदर ये लग रहा है कि क्या हाथी क्या, हमने कहा हाथी हाथी क्या, आपको क्या लग रहा है मैं क्या बोलने वाला हूँ? हाँ हाँ, क्या सुनना चाहते हैं हाथी से? हाथी के आगे क्या है? हाथी मेरा साथी। अब हाथी मेरा साथी ये पूरे वाक्यार्थ को बता दे रहा है, यानी अब इसमें जो आकांक्षा थी ना हाथी के बाद, ये भी तो बोल सकते कि हाथी आ रहा है, हाथी मर गया है, हाथी खाना खा लिया है, हाथी चला गया है, हाथी उठ गया है, कुछ भी बोला जा सकता था। हाथी बस से वाक्यार्थ नहीं क्लियर हो रहा था। बोलो हाँ, ये है आकांक्षा। ये क्या है? तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, तीनों चाहिए तब वाक्यार्थ निकलता है। कुमारिल भट्ट बोल रहे हैं, कुमारिल भट्ट ने कहा वाक्यार्थ को समझने के लिए केवल वाच्यार्थ आवश्यक नहीं है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का होना आवश्यक है। यही बात इन्होंने लिखी, क्या? आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्षमाण स्वरूपाणाम, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि वशात जो कहे गए हैं पदार्थों का स्वरूप, पद माने शब्द, तो शब्दों में जो अर्थ है वो आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के साथ आएगा तब वाक्यार्थ निकलेगा। बोलो हाँ, मैं रोटी खाता हूँ तो मैं का मैं केवल बोलूँ तो क्या रोटी खाता हूँ पूरा अर्थ आएगा क्या? मैं के बाद एक आकांक्षा होगी कि मैं क्या, मैं घर जाता हूँ ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, मैं पानी पीता हूँ ऐसा भी तो बोल सकता हूँ। जब तक पूरा सेंटेंस आकांक्षा योग्यता और सन्निधि नहीं होगी तब तक बोले वाक्यार्थ नहीं आएगा। वाक्यार्थ के लिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि का होना है, फिर समन्वय तात्पर्यार्थ विशेष वपु। तो बोले वो कहना क्या चाहता है, वक्ता का तात्पर्य क्या है, वक्ता का वो तात्पर्य ही तात्पर्यार्थ है। वक्ता का तात्पर्य पर विचार कर रहे हैं कौन? कुमारिल भट्ट। और इसके लिए एक उदाहरण आगे देंगे। अब फिर तात्पर्यार्था विशेष वपु अपदार्था वाक्यार्था समुल्लषत। बोले किसी पद का वो अर्थ ना भी हो तो भी वाक्यार्थ निकल करके सामने आता है। यही अभितान्वेवादियों का मत है कि आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात। तो जैसे मान लीजिए आप, उन्होंने एक उदाहरण लिखा है व्याख्याकारों ने लिखा कि जैसे कोई आदमी भोजन करने बैठा है और वो कहता है कि सैंधवम आनय, क्या बोलता है? सैंधव का अर्थ नमक भी होता है और सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। क्या होता है? और मान लीजिए आप खाना खाने बैठे हैं, चावल दाल रोटी सब्जी सब, और भोजन कर रहे हैं, ऐसे में आप किसी से कहते हैं, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से कि सैंधवम आने, तो इसका तात्पर्य क्या है? नमक लाओ कि घोड़ा लाओ? खाता हुआ व्यक्ति यदि सैंधवम आने कहता है तो कुमारिल भट्ट कहते हैं आप अर्थ करोगे किससे? शब्द के शब्दार्थ से कि तात्पर्यार्थ से? वाच्यार्थ तो नमक भी है और वाच्यार्थ तो घोड़ा भी है। तो बोले आपको अर्थ कैसे करना है? तात्पर्यार्थ से। किससे करना है? अब जैसे आप पैंट शर्ट पहन लिए हैं, मान लो धोती कुर्ता पहन लिए, टोपी ओपी लगा लिए, चश्मा उश्मा चढ़ा लिए, घड़ी सड़ी बांध लिए और जूता उता पहन के छड़ी ले लिए, फिर अपने बेटे से बोले कि बेटा सैंधवम आनय, क्या बोला आपने? बेटवा ले आए के नमक के पुड़िया दे दे कि बाबू ले। तो यहाँ तात्पर्यार्थ नमक मंगाने का था क्या कि नमक खा के जाओ? जब बाबू तैयार होके धोती ओती पहन के कुर्ता सुरता टोपी सोपी लगाए के दुआरे में छड़ी लेके खड़े हो जाएं, तो आज से 25-50 साल पहले लोग साइकिल लेके नहीं चलते थे, क्या लेके चलते थे? और फिर धोती कुर्ता पहन के द्वार में खड़े हुए बाबूजी यदि सैंधव माने कहते हैं तो कुमारिल भट्ट ने कहा आप नमक ले आकर दोगे का? क्या दोगे? घोड़ा लाके। ये तात्पर्यार्थ, ये क्या है? यही तात्पर्यार्थ, इसी को तात्पर्यार्थ कहते। बोले कि अम्मा माठा मार रही थी, इतने में गांव में ना मशीन चलती है, याद है मशीन? अब कुआं में मशीन चलती है तो जितना नीचे सेक्शन होता है, सेक्शन समझ रहे हैं, उतना नीचे पानी चला जाता है।
तो हमारे गांव में जब मशीन चले तो सब लोग बाल्टी ले लेकर के पानी भरने दौड़ने लगते थे, क्योंकि वापसी नली समझते नली, तो वापसी नली से आदमी पानी भर भर के ढोता था। तो अम्मा माठा मार रही थी, इतने में मशीन चल गई, पंपिंग सेट मशीन चल गई। अब ये हुआ कि आधा एक घंटा चल जाएगी तो पानी बहुत नीचे चला जाएगा, रस्सी हम लोगों की छोटी होती है तो या तो दूध रस्सी, और फिर पहले लोगों के 10-12 ठो भैंस होती थी, अब 12 भैंस पानी खूब चपक के पीती थी, तो आदमी मशीन से चला चला जब मशीन चलती थी तो ले आ के हौदा भर लेता था ताकि गोरु बानी पानी पी ले। याद आया, मैं आपको तात्पर्यार्थ पढ़ाने जा रहा हूँ, ये नहीं सोचना कि अपन गोरु भैंस पढ़ा रहे हैं, नहीं। अब मान लो अम्मा ये कहे, माठा मार रही थी, कहीं कैसा है तह पर बैठे लल्ला, हम पानी भर के भी नहीं थी, देखे कुकुर बिलारी माठा ना खा लें, दही ना अड़ा दें। यहाँ काकेभ्यो दधि रक्षताम उदाहरण है, और ये मेरी असल जिंदगी का उदाहरण है, मेरी असल जिंदगी का। अब गांव में गाय दूध खूब होता ही है, तो अम्मा दूध भी बगल में बैठाई रहती थी, वो गाय का गोबर के कंडा से सुलगा सुलगा करके दोहनी में जो दूध पकता था सवेरे का चढ़ा हुआ संझा भर, याद आया, शाम तक में दूध लला जाता था, बड़े सढ़िया जाता था। तो कभी कभी मान लो आग तेज है तो दूध उबाल भी मार देता है। तो हम लोग बैठे थे, और गांव में होता है चंदा पांसा, याद है चंदा पांसा, 4 पड़ा 3 पड़ा 2 पड़ा खेलते थे। तो हम दोनों भाई चंदा पांसा खेलने लगे, अम्मा बोली कि देखो यहाँ पर बिलारी कुकुर ना आवे। तो हम लोग सोचे हम बैठे हैं, बिलारी कुकुर कैसे आएगा। बोले क्या बिलारी कुकुर नहीं आएगा। हम दोनों भाई खेलते रहे चंदा पांसा, पूरा दूध उबल करके बाहर अड़ाया गया, और हम लोग देखे भी, थोड़ा बच्चे भी थे, और ये भी लगा था कि यार अब क्या करेंगे, उठाएंगे जल जाएंगे, अब इतना बुद्धि थी नहीं कि जाके पानी फेंक दें। मैं आपको बताऊं, दूध उबल करके नीचे आ गया, अम्मा आई डांटने लगी, करे तुमको समझ में नहीं आया तुम्हारे सामने दूध गिर गया। तो हम बोले थे माठा ताके का कह रहे दूध को कुछ कहावे नहीं भर रहे। ये तात्पर्यार्थ है, तात्पर्यार्थ ये था कि मट्ठा भी देखना और दूध भी बगल में है, उबल ना जाए गिर ना जाए, ये देखना चाहिए था। बोलो तात्पर्यार्थ क्या था। और हम लोग वाच्यार्थ पकड़े रह गए, क्या पकड़े रह गए, तो वाच्यार्थ से डिफरेंट है तात्पर्यार्थ। मैं क्या पढ़ा रहा था, तात्पर्यार्थ। कुमारिल भट्ट ने कहा कि वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के अलावा भी तात्पर्यार्थ है। क्या है, और उस तात्पर्यार्थ की चर्चा इन्होंने आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के कारण जिन पदों का अर्थ नहीं तात्पर्यार्थ से वाक्यार्थ आता है, क्या कहें। और ये दो धर्म मैंने आपको बताया, सैंधव माने का कि जब वो खा रहा था तो उसका तात्पर्यार्थ नमक से था, और जब वो जा रहा था तो उसका तात्पर्यार्थ घोड़े से। यही है तात्पर्यार्थ का आकांक्षा योग्यता सन्निधि। किताब में जो लिखा है वो आप अर्थ देख रहे हैं, और इसको प्रभाकर मिश्र ने कहा कि नहीं 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 वाच्य वाक्यार्थ, जो शब्दों का वाच्यार्थ है ना, शब्दों का जो अपना वाच्य अर्थ है वही वाक्यार्थ है, वाक्यार्थ कहीं अलग से नहीं आता। इसीलिए दो मत हो गए, एक ये उन्होंने कहा कि अन्वित होकर के ही अर्थ आता है, अन्वित होकर के ही अर्थ आता है, और इन्होंने कहा कि नहीं सब शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है, इसके बाद सभी अर्थों को तात्पर्यार्थ के अनुसार अर्थ आता है। क्या वक्ता का तात्पर्य क्या है, वक्ता कहना क्या चाहता है, वह असली वाक्यार्थ है। तात्पर्यार्थ से ही क्या कहा, वाक्यार्थ है, कुमारिल भट्ट कहते हैं। और प्रभाकर मिश्र ने कहा कि नहीं नहीं, नहीं वाक्यार्थ ही, जो वाक्य अर्थ है वही वाक्यार्थ है, उसके लिए अलग से अर्थ आने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों मत आपने देखा, कल हम लोग इनके आगे बढ़ेंगे, आज बस इतना ही रहने